How are you all? I'm Dipali Patel, your English teacher at Tana English Medium School. Students, today in this video lecture, we will learn lesson number 22 of Mastering Grammar book. So first of all, take out your Mastering Grammar and open page number 5454. Students, there is lesson number 22. This and this, that and those. So students, what is these, that, those, ये सब क्या है? हमने ये already learn कर लिया है, right? कि कब हमें these का use करना है, that का use करना है, these का use करना है and those का use करना है. So students, when anything, when we talk about things and people, person which are near us, we use this and these. जब सिंगुलर फॉर्म में होते कोई भी एक के बारे में बात हो रही है तो दिस एंड बहुत सारी थिंग्स के बारे में बात हो रही है तो दिस. व्हेन वी टॉक अबाउट पीपल और थिंग्स पर्सन विच आर फार फ्रॉम अस जो हमसे दूर है सो तब हम दैट एंड धोज का यूज करते हैं. तो जब सिंगुलर है तो दैट और बहुत सारी मोर देन वन थिंग्स की या पर्सन्स की बात हो रही है तो धोज. Okay, so now let's see in detail with example. We use these and these for naming words which are near us. हम these and these का use करते हैं ऐसे person या things के बारे में बात करने के लिए जो हमसे near है, जो हमसे pass है. First is, this is an elephant. This is an elephant. You can see, elephant is single, one है, singular है. और नियर है सो दिस इज एन एलिफेंट बट ये बुक्स है वो है तो नियर बट है कितनी बहुत सारे मीन्स मोर देन वन मतलब टू है सो ये प्लूरल है सो दिस आर बुक्स. ओके नेक्स्ट इज वी यूज दैट एंड धोज फॉर नेमिंग वर्ड्स दैट आर फार फ्रॉम अस. जब हम थिंग्स या पीपल या पर्सन की बात करें जो हमसे दूर है तो हम दैट एंड धोज का यूज करते हैं. तो फर्स्ट इज दैट इज अ बर्ड. ये बर्ड है वो सिंगल है यहाँ पे सो ये सिंगुलर फॉर्म में है राइट सो वी यूज दैट एंड धोज आर बॉट्स. सी बॉट्स है वो हमसे फार है बट मोर देन वन है मतलब टू है सो ये प्लूरल है सो इसीलिए धोज आर bots. We use this and that for naming words that mean one. As I told earlier, जब कोई भी this and that का use singular के साथ होता है, these and those का use plural के साथ होता है. Okay? This is a giraffe. यहाँ पे this मतलब क्यों आया? क्योंकि ये giraffe है वो single है. That is a kite. तो ये देखिए ये kite है single but है far. इसीलिए that का use हुआ. That is a kite. Next, we use these or those for naming words that mean more than one. As I told earlier, when we talk about such things or peoples which are more than one, मतलब one से ज़्यादा है, plural form में है. At that time we use these and those. If near, then these, and if far, then those. Okay. Now we will see more such blanks of these and this, this and this. So see this boy. Now यहाँ पे students हमें ये जो blanks है ना वो THIS this and THESE this से फिल करनी है. मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी ब्लैंक्स है ना वो सारे नियर है. नियर के बारे में बात हो रही है इसीलिए this and these. बट हमें यहाँ पे ब्लैंक फिल करते वक्त ये देखना है कि जो गिवन वर्ड है वो सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है. ठीक है सो लेट्स सी. फर्स्ट इज बॉय. बॉय है मतलब वन सिंगुलर तो दिस THIS this, this boy. Rose, ROSE rose, तो singular, तो this rose. Then after teddy bear है वो यहाँ पे again single है one. So this
टेडी बेयर, दिस बेड, दिस कैप. नाउ यहाँ पे देखिए ब्लैंक चेयर्स, चेयर्स मतलब बहुत सारी चेयर्स की यहाँ पे बात हो रही है. सो दीज चेयर्स, टॉयज मीन्स मोर देन वन टॉयज. सो दीज टॉयज, यहाँ पे टॉयज है वो क्या है, प्लूरल है, क्योंकि बहुत सारे टॉयज की बात हो रही है. देन गर्ल्स, गर्ल्स नॉट अ गर्ल, गर्ल मतलब सिंगुलर, बट गर्ल्स मीन्स बहुत सारी गर्ल्स. सो यहाँ पे दिस, दिस टेबल्स, दिस बुक्स, सभी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स नेमिंग वर्ड्स है, जो भी नाउन्स है, उन सबको एस लगा हुआ है, मतलब ये सारे प्लूरल फॉर्म में है, तो इसीलिए सबको दिस लगेगा. दिस चेयर्स, दिस टॉयज, दिस गर्ल्स, दिस टेबल्स, दिस बुक्स. नाउ नेक्स्ट पेज पे है बी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ दैट और धोस. अभी अभी हमने दीज एंड दीज देखा, अभी हम दैट और धोस को कैसे लिखना है और कहाँ पे उसका यूज होता है वो देखेंगे. सो अभी हमने पहले देखा कि दैट का यूज कब होगा, दैट और धोस कब यूज किया जाता है, जब हम ऐसे पर्सन्स या थिंग्स के बारे में बात करें जो हमसे दूर है, फार है. सो सी हियर, धोस बर्ड्स. सी नाउ यहाँ पे बर्ड्स मतलब प्लूरल है, सो प्लूरल है तो धोज, सिंगुलर है तो दैट, प्लूरल है तो धोज. नाउ पैकेट, पैकेट सिंगल मतलब दैट पैकेट. बुक, बुक अगेन सिंगल, सिंगल की बात हो रही है, दैट बुक. पपी, डॉग का जो बेबी होता है पपी, दैट इज सिंगल की बात हो रही है यहाँ पे, सो दैट पपी. देन बोट, सो अगेन दिस इज अ सिंगुलर फॉर्म, बोट, सो दैट बोट. नाउ नेक्स्ट देखिए, बैग्स, डक्स, शूज, फ्लैग्स एंड फैंस, मीन्स यहाँ पे जितने भी नेमिंग वर्ड्स है, जितने भी नाउन्स है, वो सारे किसके बारे में बात हो रही है, मतलब प्लूरल है यहाँ पे, राइट, मोर देन वन है, तो सब में धोज लगेगा, क्या लगेगा, धोज. ठीक है, वन मोर टाइम आई एम रिपीटिंग, दिस एंड दिस कब यूज किया जाता है, जब कोई भी थिंग्स, थिंग है वो हमसे नियर है और सिंगुलर में है, तो दिस एंड दिस. कोई भी थिंग्स है, बहुत सारी है, मतलब प्लूरल में है और हमसे फार है, तो दैट एंड धोज. ओके, नाउ यहाँ पे टिक राइट दी करे टूवर्ड्स गिवन इन दी ब्रैकेट्स. हियर इन दिस ब्रैकेट्स वर्ड्स आर गिवन एंड वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. ओके, फर्स्ट वन इज निकी प्लीज पेंट ब्लैंक मीन्स पिक्चर. सो यहाँ पे एक पिक्चर है, एक पिक्चर की बात हो रही है और जिसको पेंट करने की बात हो रही है, सो दिस नॉट दिस, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर है, मतलब ये सिंगुलर है, सो दिस पिक्चर. देन आफ्टर दोज और दैट एरोप्लेन इज अप इन द स्काई. सी स्टूडेंट्स हियर वन एरोप्लेन इज देयर. ओके, यहाँ पे वन ही एरोप्लेन की बात हो रही है, सो दैट और एरोप्लेन ऑब्वियसली स्काई में फार होता है और यहाँ पे ऑप्शन दोज एंड दैट है, सो दैट. दिस और दीज चेयर्स आर न्यू. नाउ स्टूडेंट्स सी दिस नाउन चेयर्स, ये चेयर्स जो नाउन है उसको एस लगा हुआ है, जो कि प्लूरल फॉर्म में है, मीन्स दीज, दीज चेयर्स आर न्यू. देन आफ्टर यू ब्लो दिस और दिस बलून. सी मेक श्योर दिस इज बलून, नॉट बलून्स. ओके, सो ये सिंगुलर फॉर्म में है, सो दिस. दैट और धोज पिकॉक ऑन द रूफ ऑफ द हाउस इज ब्यूटिफुल. सो हियर वी हैव टू जस्ट पिक वन नाउन एंड वी हैव टू से दिस नाउन, दैट इफ द नाउन इज इन सिंगुलर फॉर्म सो वी विल यूज दिस और दैट, इफ द नाउन इज इन प्लूरल फॉर्म सो वी विल यूज दिस और धोज. ओके, सो हियर पिकॉक इज अ सिंगुलर सो वी विल यूज दैट नॉट धोज. ओके, देन आफ्टर धोज और दैट क्लाउड्स आर ग्रे इन कलर. स्टूडेंट्स
Noun is clouds and noun is given in plural form. So clouds. Okay. So it is in plural form. So we will use those. Okay. Okay, now students, here some pictures are given and also blanks are given. And we have to fill these blanks from this given pictures. Okay. First is blank hills. अभी यू कैन सी स्टूडेंट्स की हिल्स है वो फार है, दूर है. सो हमें इसे धैट और धोज से फिल करना है. सो ये हिल्स है, नॉट की हिल, हिल नहीं है, हिल्स एस लगा हुआ है. सो यहाँ पे क्या आएगा, धोज. ऑलरेडी हमें यहाँ पे गिवन है कि हमें धैट और धोज से फिल करना है. देन आफ्टर हट, अभी हट है वो क्या है, वन, तो धैट. एलिफंट, so that elephant, and birds, plural, means those. Okay students, today in this video lecture we have learned lesson number 22, these, that and those. I hope कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया है. So इस video की help से आपको अपनी mastering grammar book में complete करना है, ठीक है. Thank you and have a nice day.